रियलमी ने शाओमी से मुकाबले के लिए आक्रामक कीमतों पर पावरफुल हार्डवेयर से लैस स्मार्टफोन बेचकर मार्केट में खुद का नाम बनाया है। रेडमी नोट 7 प्रो को टक्कर देने के लिए कंपनी ने हाल ही में रियलमी 3 प्रो को लॉन्च किया था। अब कंपनी ने रियलमी C1 के अपग्रेडेड वर्जन रियलमी C2 को मार्केट में उतारा है। रियलमी C2 की शुरुआती कीमत 5,999 रुपये है। हमने रियलमी C2 को टेस्ट करके देखा है, तो आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। ज़्यादातर बजट स्मार्टफोन दिखने में बोरिंग होते हैं। कीमतों को कम रखने और परफॉर्मेंस को अच्छा रखने के लिए हैंडसेट निर्माता कंपनियां आमतौर पर डिज़ाइन को प्राथमिकता नहीं देती हैं। लेकिन Realme C2 के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यह एक आकर्षक स्मार्टफोन है। बजट सेगमेंट के अन्य स्मार्टफोन्स की तरह ही Realme C2 भी प्लास्टिक का बना है, लेकिन बैक पैनल पर फिनिश अच्छी है। Realme ने फ़ोन के बैक पैनल पर जियोमेट्रिक डायमंड कट पैटर्न का इस्तेमाल किया है। हमारे डायमंड ब्लू रिव्यू यूनिट पर आप इसे देख सकते हैं। पैटर्न उस वक्त उभर कर आते हैं जब फोन के पिछले हिस्से पर लाइट पड़ती है, जो इसे एक प्रीमियम लुक देता है। फिनिश होने की वजह से बैक पैनल पर उंगलियों के निशान आसानी से नहीं पड़ते हैं। Realme C2 में बड़ा डिस्प्ले है और सेल्फी कैमरा को वाटर ड्रॉप नॉच में जगह मिली है। फोन में 6.1 इंच का HD+ डिस्प्ले है 19:5:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ। हैंडसेट पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। इसके व्यूइंग एंगल भी अच्छे हैं और आउटडोर में डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट रहती है। आप अपनी पसंद के अनुसार कलर टेम्परेचर को बदल भी सकते हैं। हमने पाया कि Realme C2 में घुमावदार फ्रेम की वजह से फ़ोन हाथ में आसानी से फिट हो जाता है। पावर बटन को फ़ोन के दाहिनी ओर जगह मिली है, बटन तक हाथ आसानी से पहुँच जाता है। वहीं दूसरी ओर वॉल्यूम बटन फ़ोन के बाईं ओर है। सिम ट्रे ठीक वॉल्यूम बटन के ऊपर स्थित है। Realme C2 के निचले हिस्से में माइक्रो USB पोर्ट, लाउड स्पीकर और प्राइमरी माइक्रोफोन है, जबकि फ़ोन के ऊपरी हिस्से में कुछ भी नहीं है। फ़ोन की लागत को कम करने के लिए Realme C1 की तरह ही Realme C2 में भी फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है। Realme C2 एक बजट फ़ोन है और इसके स्पेसिफिकेशंस काफ़ी प्रभावी नहीं है। यह फ़ोन ऑक्टोकोर मीडियाटेक हीलियो P22 प्रोसेसर से लैस है। इसके बेस वेरियंट में 2GB रैम और 16GB स्टोरेज है। फ़ोन के 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मॉडल का दाम 7,999 रुपये है। हमारे पास Realme C2 का 3GB रैम वेरिएंट है। Realme C2 Android 9 पर आधारित कलर OS 6 पर चलता है। हमारा रिव्यू यूनिट मार्च 2019 सिक्योरिटी पैच पर चल रहा है। Realme C2 में Realme कम्युनिटी, डेली हंट, फेसबुक, न्यूज़ पॉइंट, UC ब्राउज़र, Amazon, शेयर चैट और Paytm जैसे कुछ ऐप पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। थीम के लिए सपोर्ट भी शामिल है और आप थीम स्टोर ऐप से इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप मार्केट गूगल प्ले स्टोर का एक अन्य विकल्प है और यह भी प्री इंस्टॉल है, लेकिन हमने पाया कि यह पूरे दिन स्पैमी नोटिफिकेशंस भेजता रहता है। Realme C2 में गेम सेंटर ऐप भी है, जहां आपको सिर्फ गेम्स मिलेंगी। अन्य Realme स्मार्टफोन्स की तरह Realme C2 में भी ड्राइविंग और राइडिंग मोड है, जो कार के ब्लूटूथ हेड यूनिट के साथ कनेक्ट होने पर खुद ब खुद फ़ोन को DND मोड में डाल देता है। जब आप किसी इनकमिंग कॉल को रिजेक्ट करते हैं, तो यह SMS को ऑटो सेंड भी कर सकता है। Realme C2 में जेस्चर नेविगेशन भी उपलब्ध है। इस प्राइस सेगमेंट में Realme C2 की परफॉर्मेंस स्वीकार्य है। फ़ोन में MediaTek Helio P22 प्रोसेसर का इस्तेमाल हुआ है। हमें ऐप लॉन्च और मेन्यू में स्क्रॉल करते समय किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन जब हमने नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की ओर खींचा तो फ़ोन थोड़ा धीमा हो जाता है। हमने इस फ़ोन पर मल्टीटास्किंग भी करके देखी, लेकिन कभी कभी फ़ोन हैवी ऐप्स को लोड करने में थोड़ा समय लेता है। हमने PUBG मोबाइल को लो सेटिंग्स पर, ग्राफिक्स को स्मूथ पर और फ्रेम रेट को मीडियम पर सेट करके खेला। गेम प्ले स्मूथ नहीं था और यह अटक अटक कर चल रही थी। हमने फ्रेम रेट को लो में बदल दिया, जिससे गेम प्ले में थोड़ा अंतर आया, लेकिन यह फिर भी स्मूथ नहीं था। फ़ोन में बेशक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं दिया गया है, लेकिन यह फेस अनलॉक फीचर से लैस है। यह स्मार्टफोन तेज़ी से फ़ोन को अनलॉक कर देता है। Realme C2 में जान फूंकने के लिए 4000 mAh की बैटरी दी गई है। फ़ोन की बैटरी लाइफ अच्छी है। हमारे HD वीडियो लूप टेस्ट में फ़ोन ने 20 घंटे और 29 मिनट तक हमारा साथ दिया, लेकिन फ़ोन के साथ मिलने वाला 10 वॉट चार्जर बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 घंटे से अधिक समय लेता है। Realme C2 में डुअल रियर कैमरा सेटअप है। प्राइमरी सेंसर 13 मेगापिक्सल का है। इसका अपर्चर f2.2 है। इसके साथ जुगलबंदी में f2.4 अपर्चर वाला 2 मेगापिक्सल का सेंसर काम करेगा। सेल्फी के लिए हैंडसेट में f2.0 अपर्चर वाला 5 मेगापिक्सल का सेंसर है।
कैमरा ऐप वैसा ही है जैसा हमने पहले भी Realme स्मार्टफोन्स में देखे हैं। इसमें HDR, Chroma Boost, फिल्टर और फ्लैश के लिए बटन दिए गए हैं। इसमें पैनो, एक्सपर्ट, टाइम लैप्स और स्लोमो मोड भी दिए गए हैं। कैमरा ऐप 2x डिजिटल जूम सपोर्ट प्रदान करता है। दिन की रोशनी में Realme C2 से ली गई तस्वीरें हमें पसंद आईं। तस्वीरों में फोकस अच्छा था और डिटेल भी अच्छे से कैप्चर हुई। मैक्रो शॉट्स हमारी उम्मीद से बेहतर निकले और फोन सब्जेक्ट और बैकग्राउंड के बीच उचित दूरी बनाए रखता है। फोन फोकस को जल्दी से लॉक कर लेता है और मैक्रो मोड पर शूटिंग के दौरान एक्सपोजर के साथ भी कोई समस्या नहीं थी। पोर्ट्रेट शॉट में डिटेल अच्छे से कैप्चर हुई। कम रोशनी में फोन से खींची गई तस्वीरें कुछ खास अच्छी नहीं आई। सेल्फी में डिटेल अच्छे से कैप्चर हुई और इस कीमत में क्वालिटी भी अच्छी है। रियर कैमरा 1080p की रेजोल्यूशन वीडियो तो वहीं सेल्फी कैमरा 720p की रेजोल्यूशन वीडियो बनाने में सक्षम है। 5,999 रुपए की शुरुआती कीमत पर Realme C2 पावरफुल हार्डवेयर, अच्छी बैटरी लाइफ और अप टू डेट सॉफ्टवेयर देता है। हमने आमतौर पर इस कीमत में कमजोर प्रोसेसर और पुराने सॉफ्टवेयर वाले स्मार्टफोन्स देखे हैं। कैमरा इस फोन का एक ऐसा पहलू है जिस पर सुधार की आवश्यकता है, लेकिन इस कीमत में इसकी क्वालिटी सही है। अगर आप Realme C2 का बेस वेरिएंट खरीदते हैं तो बता दें कि यह फायदे का सौदा साबित हो सकता है। यदि आप Realme C2 के 3GB रैम वेरिएंट को खरीदने का विचार कर रहे हैं और यदि आप अपने बजट को थोड़ा बढ़ा सकते हैं तो Redmi 7 या Nokia 5.1 Plus भी आपके लिए बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं। ये स्मार्टफोन भी समान कीमत पर उपलब्ध हैं, लेकिन अगर तुलना की जाए तो ये बेहतर हार्डवेयर के साथ आते हैं। तो यह था हमारा Realme C2 का रिव्यू। टेक्नोलॉजी की दुनिया की तमाम खबरों के लिए gadgets.ndtv.com/hindi पर लॉगिन करें।